उदयपुर से पुलिस की निगरानी में अजमेर पहुंचे भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने अजमेर शहर में प्रवेश करने से रोक लिया है। इस पर किरोड़ी लाल मीणा अपनी गाड़ी से पैदल ही हाईवे की ओर रवाना हो गए। इसके अलावा उनके पीछे पुलिस के आला अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस जत्था भी चल पड़ा। कुछ दूर पैदल चलने के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौड़ पड़े और उनके पीछे पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को भी दौड़कर पसीना बहाना पड़ा। बातचीत में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि वो पुष्कर में शंकराचार्य के चिंतन शिविर में जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें वहां जाने से रोक रही है। ब्यावर रोड पर पैदल चल रहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से पदयात्रा करने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पुष्कर में जगत गुरु शंकराचार्य आए हुए हैं, यहाँ उनका साधना शिविर है, शिविर का मुझे निमंत्रण है, मैं वहां जाना चाहता था। उदयपुर में पुलिस ने मुझे पत्रकार वार्ता नहीं करने दी। उन्होंने कहा कि उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हुआ है, कांग्रेस इस बात की चिंता करे कि यहाँ के आदिवासियों की बदहाली है, भूख से लोग मर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनमें कुपोषण है और पलायन कर रहे हैं। मुद्दे को लेकर पत्रकार वार्ता करना चाहता था। डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का चिंतन शिविर जिस होटल में चल रहा है उस होटल का निर्माण भी अवैध तरीके से किया गया है। उनका आरोप है कि होटल मालिक से गहलोत परिवार के आर्थिक संबंध है। उन्होंने कहा कि मैं यहां पत्रकार वार्ता में उजागर करना चाहता था कि होटल नदी के मार्ग पर बनाई गई है, वहां से बहाव क्षेत्र पिछोला झील में जाता है, उस बहाव और देवास योजना के टर्नल को रोक दिया गया। किरोड़ी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि होटल बनवाने के लिए वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर पहाड़ काट लिया गया है और ऐसे में कांग्रेस का चिंतन शिविर होटल में ना हो, ये बात मैं पत्रकार वार्ता में कहना चाहता था। उन्होंने कहा कि उदयपुर से 2:30 बजे पुलिस उठाकर लाई है। मीणा ने कहा कि मैंने बताया कि वो श्रीनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं तो पुलिस ने दर्शन नहीं करने दिए। प्रतापगढ़ जाने की बात में भी उन्होंने वहां जाने नहीं दिया। प्रतापगढ़ धरियाबाद में 3 दिन का आदिवासी शिविर था जहाँ 13, 14 और 15 मई को देश भर के आदिवासी शिविर में आ रहे थे, मुझे वहां जाने से रोका गया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पुलिस मुझे अजमेर लेकर आई, यहाँ मैं कुछ कर जाना चाहता था। उन्होंने कहा कि अजमेर में पदयात्रा जहाँ तक जाएगी वहाँ तक करूँगा, पुलिस मुझे गिरफ्तार भी तो नहीं कर रही है। वहीं डॉक्टर मीणा का आरोप है कि पुलिस जागती कर रही है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई आंदोलन और हिंसा नहीं की है, मैं हिंसा करता या कानून तोड़ता तो पुलिस कानून के दायरे में कार्रवाई करती, मैं शांतिपूर्वक अजमेर की सड़कों पर चल रहा हूं और मेरी मांग है कि मुझे शंकराचार्य के साथ साधना शिविर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पुष्कर जाने दिया जाए। गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने कहा कि मैं पुष्कर जाऊंगा, मैं अपनी कोशिश करूंगा, पुलिस अपनी कोशिश करे। ए भाई, आपने हमारे दौर देखी नहीं कैसे? बिल्कुल देखी सर। थैंक यू सर। चलो 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 चलो